गिनती चौथा बाब। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि बनी लावी में से के हाथियों को उनके घरानों और अबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल हैं, उन सबों को गिनो। और खैमाए इज्तमा में पाक तरीन चीजों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा, और खैमाए इज्तमा में पाक तरीन चीजों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोबें लगाएं और नजर की रोटी की मेज पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक और चमचे और उंढेलने के कटोरे और प्याले रखें और दाइमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और मेज में उसकी चोबें लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमादान को और उसके चरागों और गुलगेरों और गुलदानों और तेल के सब जरूफ को जो शमादान के लिए काम में आते हैं ढांकें, और उसको और उसके सब जरूफ को तुखस की खालों के एक गिलाफ के अंदर रखकर उस गिलाफ को चौकटे पर धर दें और जरेन मजबा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चोबें उसमें लगाएं और सब जरूफ को जो मकदस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांक कर चौकठे पर धरें। फिर वो मजबा पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अर्गवानी रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं, जैसे अंगीठियां और सीखें और बेलचे और कटोरे, गर्ज मजबा के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मजबा में चोबें लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मकदस को और मकदस के सब असबाब को ढांक चुके, तब खैमाए इज्तमा के कूच के वक्त बनी के हाथ उसके उठाने के लिए आएं, लेकिन वो मकदस को ना छुएं ता ना हो कि वो मर जाएं। खैमाए इज्तमा की यही चीजें बनी के हाथ के उठाने की हैं, और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दाइमी नजर की कुर्बानी और मसा करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाजम की और मकदस और उसके सामान की निगहबानी हारून काहिन के बेटे अलेजर के जिम्मा हो। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, तुम लावियों में से केहातियों के कबीला के खानदानों को मुनकता होने ना देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाक तरीन चीजों के पास आएं, तो जीते रहें और मर ना जाएं। तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकरर कर दें, लेकिन वो मकदस को देखने की खातिर दम भर के लिए भी
अंदर ना आने पाएं, ता न हो कि वो मर जाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी जरसून में से भी उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। जेरसीनियों के खानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है, और मस्कन के पर्दों को और खैमाए इज्तमा और उसके गिलाफ को और उसके ऊपर के गिलाफ को जो तुखस की खालों का है, और खैमाए इज्तमा के दरवाजा के पर्दा को और मस्कन और मजबा के गिरदा गिर्द के सहन के पर्दों को और सहन के दरवाजा के पर्दा को और उनकी रस्सियों को और खिदमत के सब जरूफ को उठाया करें, और इन चीजों से जो जो काम लिया जाता है वो भी यही लोग किया करें। जरसीनियों की औलाद का खिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हो, और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकरर करके उनके सपुर्द करना। खैमाए इज्तमा में बनी जरसून के खानदानों का यही काम रहे, और वो हारून काहिन के बेटे इत्मर के मताहत होकर खिदमत करें, और बनी मरारी में से उनके अबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। और खैमाए इज्तमा में जिन चीजों के उठाने की खिदमत उनके जिम्मा हो वो ये हैं, मस्कन के तख्ते और उसके बैंडे और सतून और सतूनों के खाने और गिरदा गिर्द के सहन के सतून और उनके खाने और उनकी मेखें और रस्सियां और उनके सब आलात और सारे सामान और जो चीजें उनके उठाने के लिए तुम मुकरर करो, उनमें से एक एक का नाम लेकर उसे उनके सपुर्द करो। बनी मरारी के खानदानों को जो कुछ खिदमत खैमाए इज्तमा में हारून काहिन के बेटे इत्मर के मताहत करना है वो यही है। चुनाचे मूसा और हारून और जमायत के सरदारों ने के हाथियों की औलाद में से उनके घरानों और अबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस की उम्र से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल थे, उन सबों को गिन लिया। और उनमें से जितने अपने घरानों के मुआफिक गिने गए वो 2,750 थे। के हाथियों के खानदान में से जितने खैमाए इज्तमा में खिदमत करते थे उन सबों का शुमार इतना ही है। जो हुक्म खुदावन ने मूसा की मार्फत दिया था उसके मुताबिक मूसा और हारून ने उनको गिना, और बनी जरसून में से अपने घरानों और अबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल थे वो सब गिने गए। और जितने अपने घरानों और अबाई खानदानों के मुताबिक गिने गए वो 2,630 थे। सो बनी जरसून के खानदानों में से जितने खैमाए इज्तमा में खिदमत करते थे और जिनको मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक
شمار کیا وہ اتنے ہی تھے اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت، اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے۔ یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔